इंजन ऑयल असली है कि नकली, ये कैसे पता करें? ये सबसे महंगे तेलों में से एक है, बल्कि तो इसका मैं आपको बताऊंगा। इसका सबसे पहले ये स्टिकर की क्वालिटी होती है, तो अगर ये प्रिंट जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, प्रिंट की क्वालिटी आपको देख के पता चल जाएगा शार्पनेस से। इसका बॉटल का डिज़ाइन देख लो आप, ये इसको, ये अभी सील्ड बॉटल है, मैं खोल नहीं रहा। ये दूसरी वाली मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह खुलता है, रेड कलर में आता है ये बिल्कुल। तो ये बॉटल का डिज़ाइन ये है हमारा। इसको कॉपी करना अभी तक उतना आसान हुआ नहीं है, शायद इसलिए डुप्लीकेट शायद ना हो मार्केट में। तो और नीचे के मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे क्या होता है इसमें, ये मार्किंग्स देख लो आप। तो अगर आपको कोई बॉटल मिल रही है जिसमें ये चीज़ें नहीं हैं, तो हो सकता है वो नकली हो, इस तरह का स्टिकर लगा होगा। इसके अलावा ये पीछे, ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अगर आप वैसे लेंगे तो शायद ये वाला लेबल ना हो। बाकी ये लेबल है इसका, शार्पनेस होती है इसके एक टेक्सचर में, और ये नीचे नंबर लिखा रहता है, ये बैच नंबर और ये डेट होती है। असली नकली का जहाँ तक मुझे पता है इस ऑयल के बारे में यही होता है। और उससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन लें किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से। अब ये स्टिकर लग के आने लग गया है, पहले नहीं होता था ये पुरानी बॉटल है तो इसलिए इस पर नहीं है। बाकी सब कुछ सिमिलर है, बॉटल के डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं है, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर होना चाहिए, जैसे 3 है या 7 है। और ये डेट इसके नीचे है, लेकिन अब भी है इस पे। इसका ये डिज़ाइन जो है, ये यहाँ पर ये खींच के खुलता है, अभी सील्ड है, ये ढक्कन भी आप देख सकते हैं मोतुल का, ये इस तरह का होता है। बाहर से तो इतना ही पता चलेगा आपको असली नकली का। बाकी इस ऑयल का कलर रेड है, खोल के मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल रेड कलर का है ये, आप देख सकते हैं। कैस्ट्रॉल भी इसी कलर का होता है, बिल्कुल ये रेड कलर का है, बेस्ट ऑयल है मेरे यूसेज के हिसाब से। तो बाकी आप यूज़ करके इसका रिव्यू बताइए कि आपको कैसा लगा। सोर्स से लो, किसी अच्छी शॉप से लो जो आपको बिल दे रही हो। अगर आपको कोई शॉप अच्छी ना मिले तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वैसे ऑनलाइन आपको ये चीप मिल जाएगा, काफ़ी सेल लगती है, तो 650 का भी मिल जाता है। तो सेल का ध्यान रखो, पहले ही लेके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रफली जैसे पता रहता है मुझे तो कि कब मेरा तेल डलना है, कितनी रनिंग है, तो मैं पहले ही जब सेल का सीज़न लगता है मैं इनको लेके रख लेता हूँ अमेज़ोन से। उससे मुझे काफ़ी चीप पड़ जाता है ये मार्केट में, ये 700 और 730 ऐसे मैंने पता करा है, और अमेज़ोन से मुझे 640 का मिला है, 650 का, तो बहुत चीप है इसका। यही है असली नकली का। बाकी मैं और भी वीडियोस डाल रहा हूँ इस पे, फॉर कॉइल पे और बाकी चीज़ों पे। कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछिए कि और क्या देखना चाहते हो आप।